देश के साथ साथ शहरों में जब से कोरोना महामारी ने दस्तक दी तब से लेकर अब तक दुकानदारों का व्यापार चौपट हो गया। ऐसे में बर्डी फुटपाथ पर हॉकर्स द्वारा दुकानें पिछले 4 माह से मनपा प्रशासन और बर्डी पुलिस उन्हें फुटपाथ पर दुकान लगाने से मनाई कर रहा है, जिससे हॉकर्स के ऊपर भुखमरी की नौबत आ पड़ी। हॉकर्स दुकानदारों ने आत्मदाह का और जहर खाने की चेतावनी मनपा प्रशासन और पुलिस को दी है। कोरोना वायरस ने जब से दस्तक दी है तब से लेकर अब तक शहर के कई कारोबारी के कारोबार चौपट हो चुके हैं। ऐसे में शहर के बर्डी मेन रोड पर कोरोना आने से पहले फुटपाथ पर दुकानदार हॉकर्स दुकान लगाकर दो पैसे कमाकर अपने और अपने परिवार का गुजर बसर करते थे, लेकिन कोरोना का संक्रमण बढ़ते ही मनपा प्रशासन ने फुटपाथ हॉकर्स को दुकान सजाने की पाबंदी की है, जिससे पिछले 4 माह से हॉकर्स की दुकानें बंद है। इससे हॉकर्स के परिवार पर भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। बर्डी पुलिस द्वारा आज भी हॉकर्स को दुकान नहीं लगाने दिया, जिससे सैकड़ों हॉकर्स ने जमकर मनपा प्रशासन पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दरमियान बर्डी पुलिस और हॉकर्स के बीच काफी बहस हुई। हॉकर्स वालों ने आत्मदाह जहर पीने की चेतावनी दी। 8 महीने 12 दिन हो गए, अभी तक हमारे को रोजगार नहीं मिला। दुकानदारों पुलिस और कॉर्पोरेशन एनएमसी हमारे पे अत्याचार कर रही है, हमारा माल उठा रहे और हमारे को हरासमेंट कर रहे हैं, दुकान लगाने की अनुमति नहीं दे रहे। आते जा रही है सुबह 9 बजे से पुलिस प्रशासन कॉर्पोरेशन ऐसे आते जैसे यहाँ कोई आतंकवादी खड़े है और टोटल माल लेके जाके 5,000 का फाइन दे रहे हैं। आज त्यौहार का दिन है, राखी का त्यौहार रहने के बाद फुटपाथ पे ऐसी व्यवस्था है कि एक राखी खरीद नहीं सक रहा आदमी, एक नरेल नहीं खरीद सकता, ना ही केले खरीद सकता। आज ये हमको लगाने दे देंगे तो कल ऐसा हो जाएगा, हम भूखमरी की तो पारी है, कल दुकान लगाएंगे हम जबरदस्ती और हम आत्मदाह करेंगे, नहीं तो जहर पी लेंगे और इसका प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। दोनों दे रहे हैं। उनका बोलता है जब तक एक कोरोना की महामारी है तब तक बोलते हॉकर दुकान नहीं लगाएंगा, ऐसे कैसे नहीं लगाएंगे हम। 5 महीने 12 दिन हो गए, खाली फुटपाथ वालों का गरीबों को है क्या ऐसा कानून प्रावधान ऐसे लाया है क्या गवर्नमेंट ने कि फुटपाथ दुकानदार दुकान नहीं लगाएंगे और बड़े दुकान खोलेंगे? और प्रशासन बीमारी क्या हमारे कारण फैल रही है क्या? और प्रशासन का कोई मदद नहीं है हमको, मेन बात तो बस लगाना नहीं है, यही कहना है उनका, बाकी कुछ नहीं। कहाँ जाना चाहिए इसके लिए कोई सोच ही नहीं रहा है। कल हम आत्मदाह करेंगे नहीं तो जहर पियेंगे और इसका प्रशासन जिम्मेदार रहेगा, ये कल बिल्कुल पक्का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बर्डी पे हॉकर्स वालों को बैठने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस प्रशासन मनपा प्रशासन इनको बार बार रोक रही है और इनका ये कहना है कि आप कोई भी यहाँ फुटपाथ पे नहीं बैठेगा। पिछले 5.5 महीनों से ये फुटपाथ दुकानदार कोई भी कामकाज नहीं कर रहे, जिसके चलते इनके परिवार के ऊपर में भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। अगर प्रशासन ध्यान नहीं देगा तो आत्मदाह और जहर खाने जैसी बात इन हॉकर फुटपाथ वाले दुकानदारों ने की है। अब देखना यह होगा कि इसके अंदर प्रशासन क्या कामकाज करती है। बर्डी से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ संजय मीरे, इनबीसी न्यूज नागपुर।